जय श्री कृष्णा। ईश्वर के अनेकों अनेक भक्त होते हैं। हर भक्त एक अलग ही रूप में ईश्वर की पूजा करता है। एक भक्त वह होता है जो अपना सब कुछ ईश्वर को अर्पण कर देता है। ऐसे भक्त के लिए भगवान गीता में क्या कहते हैं कि तुम जो भी खाते हो, तुम जो भी दान करते हो, तुम जो भी तपस्या करते हो, वह सब मुझे ही अर्पित होती है और अंत में इसका फल शुभाशुभ होता है। फलस्वरूप उस भक्त की कर्म बंधन से मुक्ति हो जाती है और वह ईश्वर को पा लेता है। दूसरा भक्त वह है जो भगवान की सेवा के लिए कर्मों का भली भांति आचरण करता है। ऐसे भक्त के लिए भगवान कहते हैं कि ऐसे भक्त को कर्मों में आसक्ति नहीं होती, फल में भी आसक्ति नहीं होती, तो ऐसे भक्त कर्म बंधन से स्वयं ही मुक्त रहते हैं और अंत में भी मुक्ति ही प्राप्त होती है ईश्वर की प्राप्ति के द्वारा। तीसरा भक्त वह है जो राग और द्वेष से सर्वथा रहित है, भगवान के परायण है, भगवान का ही भक्त है। वह स्वयं का कोई कर्म करता ही नहीं है, वह हर एक कर्म भगवान के लिए ही करता है। उसके द्वारा सहज ही सतत भगवान की सेवा की जाती है। जिन भक्तों का इस प्रकार का स्वभाव स्वरूप बन जाए, वह प्रेमी भक्त कोई और नहीं, वह ही गोपी कहलाता है। गोपी का स्वयं का कोई अपना मन नहीं था। गोपी जो भी करती थी सेवा भाव से करती थी। गोपी जो भी खाती थी वे भी ईश्वर को ही अर्पित कर खाती थी। उनका दान, उनकी तपस्या, हर एक कार्य ईश्वर के लिए ही होता था। इसलिए भक्ति के मार्ग विभिन्न हैं, परंतु ऐसा मार्ग चुनिए जिस पर आप चल सके, आपके पग कभी भी ऐसे मार्ग से नहीं डगमगाएं। एक भक्त जो भी करता है वह सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के लिए ही करता है। उसके लिए हर एक चीज़ ईश्वर से शुरू होकर ईश्वर तक ही समाप्त होती है। जय श्री कृष्णा।